बिग बॉस के लाइव फीड में इस वक्त घर के अंदर चुमदरंग और यहां पे बात हो रही है चुमदरंग के शादी के बारे में। करणवीर मेहरा बात करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसी बीच में निकली है चाहत की भी बात। ऐसा तो क्या होगा जिसके बाद यहां पर चुमदरंग और यहां पर चाहत दोनों की बात साथ में निकली और करणवीर किस तरह से इन्वॉल्व हुआ है बताते हैं पूरी स्टोरी। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका ओपिनियन क्या है। दरअसल दोस्तों बिग बॉस के लाइव फीड में इस वक्त घर के अंदर, हालांकि दोस्तों एक चीज मुझे हमेशा कंप्लेन रहेगी, मेरे को लगता है जब जब मैं लाइव फीड बनाऊंगा मुझे ये चीज लगेगा ही दोस्तों, और मैं इसके बारे में बात भी करूंगा। दोस्तों लाइव फीड में मैं देख रहा हूं कंटिन्यूसली, अभी 2.5 घंटे से देख रहा हूं मैं, लगभग सबसे कन्वर्सेशन यहां पर हुआ है चुमदरंग का, लेकिन उन चीजों को यहां पर दिखा या थोड़ा कम जा रहा है यहां पर एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आज या कल वाले एपिसोड में उस चीज को ज्यादा दिखाया जाए। फिलहाल बात करते हैं यहां पर लाइव फीड में क्या कुछ चला। दरअसल दोस्तों लाइव फीड के अंदर यहां पर चुमदरंग जो है वो बैठ के बातचीत कर रही थी जहां पर शिल्पा, श्रुतिका और यहां पर आपको बता दूं करणवीर थे, जहां पर करणवीर बात करते हुए नजर आते हैं शादी को लेकर के, वो भी चुम की शादी को लेकर के बातचीत होती है, जहां पर करणवीर बोलते हैं यार अब तो यहां पर चुम भी शादी करने वाली है, जहां पर श्रुतिका बेसिकली इन टोटली ये सब टॉपिक को निकाल रही होती है आज सुबह से ही, वो सबकी शादी को लेकर के काफी ज्यादा डिस्कस कर रही है, जहां पर पहले तो वो बार बार चाहत के नाम से छेड़ते हुए नजर आते करणवीर को। अब दोस्तों यहां पर ना ही चाहत को इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है और ना ही करणवीर को इस चीज में इंटरेस्ट रह गया है, वो मुझे काफी हद तक क्लियर होता हुआ नजर आया वीकेंड के बाद से ही। ना ही यहां पर चाहत को कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई करणवीर को इंटरेस्ट है, दोनों बस मजे लेते हुए नजर आते हैं, ये दोस्तों बातें क्लियर होते हुए नजर आई है। वहीं पर दोस्तों श्रुतिका पहले यहाँ पर चाहत की बात को लेकर के ही बैठी थी, वो बोलते हुए नजर आए कि यार फिर से वो चाहत जो है तेरी चाहत वो यहाँ पर ऐसे मैं से एक्टिंग करके बात करती है, जबकि मैंने पूरा आटा वाटा का पूरा मैंने किया, वो आई और बैठ करके बोलने लगी कि ये सॉफ्ट नहीं, और फिर उसने थोड़ा बहुत मिलाया वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो बोलती है मैंने ही पूरा किया है तूने कुछ नहीं किया, तो मैं उसको बोली मैंने किया, मैं उसको बोली, मतलब वो बहुत फनी था दोस्तों। उसी बीच में यहाँ पर अचानक से करण भी बोलते हैं कि और चुम तेरा क्या प्लान है यहाँ पर शादी का, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर चुम काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देती है और इस चीज के मजे यहां पर श्रुतिका लेना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि तू क्यों इतना शर्मा रही है शादी के बाद से, वो भी करणवीर ने पूछा है तो तेरे को इतना क्या मतलब शर्मा है, ऐसा क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद दोस्तों आपको बता कि यहां पर थोड़ी सी तो ऑकवर्ड हुई यहां पर चुम, लेकिन दोस्तों फिर इस सब चीज को यहां पर करणवीर ने काफी पॉजिटिव वे में मोड़ दिया और बोलते हुए नजर आए कि हां यार तू तो सोच ही रहे होगी और तेरे को सोचना भी चाहिए अब, क्योंकि यहां पर सभी सोच रहे हैं, सबका तो हो भी गया, कुछ लोग का होकर खत्म भी हो गया है, तो तेरे को भी सोचना चाहिए चुम। जिसके बाद यहां पर चुम और करणवीर के बीच में फिर बात होते हुए नजर आए और काफी यहां पर ये लोग जो है उस चीज को लेकर के डिस्कस करते हुए नजर आए और दोनों ही काफी ज्यादा वो शादी वाले बात में इन्वॉल्व थे, ऐसा लग रहा था कि करणवीर की बातों को काफी प्यार से यहां पर सुनते हुए नजर आ रही है और उस चीज को काफी पॉजिटिवली वो इंटरेक्ट भी कर रही थी। दोस्तों कहीं ना कहीं जो दोस्ती है करणवीर की और चुम की वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डे बाय डे होती जा रही है और काफी स्ट्रांग भी मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जरूर होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर द अपडेट्स के लिए।